हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉट सिंगल ऑर्डर के एक और एंटरप्रेन्योर जुगिंग में। सो गाइस, एंटरप्रेन्योर जुगिंग में अपन अक्सर कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को जानना जरूरी हो जाता है। और जरूर यहाँ पे मतलब ये चीज भी आती है कि आपको ये चीजें इंग्लिश में सुननी है या हिंदी में सुननी है। हिंदी में सुनने के लिए यहीं पे बनो, इंग्लिश में सुनने के लिए लेटेस्ट वीडियोस में इंग्लिश कॉपी भी डाली हुई है। सो गाइस, आज बात आती है कि मैंने कुछ अपने पुराने वीडियोस में एसर्ट्स की बात की थी, तो एसर्ट्स किस टाइप के होते हैं थोड़ा बहुत अपन बात करने वाले। सो गाइस, एसर्ट्स में जो प्राइमरीली कंसिडर किया जाता है और जो मोस्ट पॉपुलर है वो दो टाइप में कंसिडर किया जाता है। एक होता है रियल स्टेट, दूसरा होता है शेयर मार्केट। सो गाइस, रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, इस टाइप की चीजें। शेयर मार्केट में मतलब कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदना, उनको बेचना। अब दोनों ही अपने आप में रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, तो अपन दोनों को कंपेयर करेंगे और प्लान करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस पे कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रियल स्टेट की। रियल स्टेट में आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलेगी। रियल स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिलेगी। मतलब आने वाले समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, कंपनी को लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। अभी रियल स्टेट में हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाती है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि घर बनाना है, ऑफिस बनवाना है, ऑफिस खरीदना है, तो उसके लिए एक लार्जर अमाउंट लगता है जो हर किसी के पास नहीं होता। जिसके पास होता है वो रियल स्टेट में जाते हैं, और अगर लगता है कि आप लोगों को उतना अमाउंट नहीं है फिर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्टेड है, तो ऐसे टाइम पे आप लोगों के लिए ने शेयर मार्केट एक सोचना अच्छी चीज़ रहेगी। बिकॉज शेयर्स में ऐसा नहीं होता है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए ले जाके जाना है। वहाँ पे कुछ शेयर्स तो ऐसे भी है जो लेस देन $1 में भी चल जाते हैं। सो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। फिर उसके बाद में रियल स्टेट में टैक्स बेनिफिट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू शेयर। अगर आप बोलेंगे लेंगे जाके टैक्स ऑफिस में कि आप ट्रेडर हैं तो शायद आपको उतना ज़्यादा भाव ना मिले, उतना ज़्यादा एडवांटेजेस ना मिले। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपने मतलब आपका पैसा रियल स्टेट में इन्वेस्ट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी कि आपको अच्छे चांस अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में आता है रियल स्टेट लॉन्ग टर्म के लिए सेफ्टी रहती है, बिकॉज वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं, तो वो एक फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है जो समय के साथ साथ आप बढ़ा भी सकते हैं। शेयर मार्केट में उतना लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि आपका शेयर आज कहाँ पे है, कल कहाँ पे है, तो इन्हें अलर्ट रहना पड़ता है इससे ज़्यादा। प्लस वहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत कम केसेस में देखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में रियल एस्टेट में जैसा कि मैंने बताया कि हाई ट्रांजेक्शन रेट होता है, आपको अगर मेंटेनेंस भी लग जाता है तो बहुत खतरनाक लगेगा, और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी लानी है तो बहुत ज़्यादा तेजी से लगेगी और एकदम ज़्यादा अमाउंट में पैसा डालना होगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप अगर आप लोगों को अपने शेयर्स बढ़ाने हैं बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो, टोकन लॉस वगैरह भी फीचर्स रहते हैं जहाँ पे अपना लॉस लिमिट कर सकते हो, तो इस टाइप की चीज़ें रहती है। फिर इसके बाद में रियल स्टेट में एक प्रॉब्लम आता है कि उसको उसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बिकॉज आपके बाद उसको कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा, इन शॉर्ट बायर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है रियल स्टेट के टर्म्स में। बिकॉज आपने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है या बहुत बड़े स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी आपने सर पर ली है, तो सामने वाला भी उतना पैसा लगाने को तैयार होना चाहिए। तो इसलिए रियल स्टेट की प्रॉपर्टी कभी बिकती है कभी नहीं बिकती है, तो चांसेस थोड़े वैरी करते हैं। शेयर मार्केट में बिकॉज शेयर सस्ते होते हैं तो कोई भी छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आपके बेचे हुए शेयर्स को लेने को तैयार हो जाता है, इसलिए शेयर मार्केट में नेटवर्क अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू रियल स्टेट। सो ये था छोटा मोटी चीज़ें जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कंपेयर करके शेयर करनी चाहिए। और इसी के साथ गाइस, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ गई होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाय बाय।